हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर हम वीडियो लेकर के आए हैं बकरियों की नस्लें। बकरियों की नस्लें हम लोगों ने पढ़ा अभी, दुधारू नस्लों के बारे में, मांस वाली नस्लों के बारे में कुछ हमने पढ़ा। अब आज हम लोग देखेंगे कि कुछ बकरियां मांस वाली और कुछ फाइबर वाली, जिससे कि ऊन निकलते हैं। मांस वाली में जैसे कि आसाम हिल, ब्लैक बंगाल, कच्छी, गंजम और बकरियां हैं जो कि मांस के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। और फाइबर के लिए जिसका वो ऊन बढ़िया होता है, अंगोरा, हिमालयन बकरी, हिमालयन बकरी में हिमालय पहाड़ की बकरियां, चंबा, गद्दी, कश्मीर, पश्मीना, ये बकरियां हैं जो कि रेशे के लिए मशहूर हैं। इनसे रेशा, गोश्त, दूध तीनों चीज़ मिलता है। 3-in-1 बकरियाँ हैं, माने तीनों काम के लिए हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें आसाम हिल। आसाम हिल की बकरियाँ, जैसा कि नाम से मशहूर है कि आसाम के पहाड़ियों में पाई जाती हैं। आसाम की पहाड़ी में ख़ास तौर से खासो, नागा, लुसाई पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के करीब ये बकरियां पाई जाती हैं। इन बकरियों में, इन बकरियों का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है और कुछ बकरियां भूरे रंग की भी होती हैं, ग्रे कलर की। पहाड़ी बकरियों में, सभी पहाड़ी बकरियों में दाढ़ी होती है और इनका शरीर पूरे लंबे बालों से ढका होता है। बाल इनका लंबा होता है और शरीर इनका उसी बाल से रहता है, लंबे लंबे बाल होते हैं। सिर छोटा होता है, कान भी छोटे होते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सींग पीछे की ओर मुड़ी होती है और नर बकरे का सींग कुंडलाकार होती है, घुमाव लिए होती है। बकरियों में सींग की लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर तक की होती है। टांगें इनकी छोटी होती हैं और इनका थन भी छोटा होता है और लेकिन नुकीला होता है। इस तरह से बकरियां खास तौर से सफ़ेद होती हैं। पहाड़ी बकरियां मजबूत होती हैं, कान भी छोटे होते हैं, बाल बड़े होते हैं। लेकिन उपयोग उत्पादन में इन बकरियां को, जैसा कि मांस के लिए पाला जाता है, तो दूध बहुत ही कम देती हैं। कि इनके बच्चे के लिए ही, पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। कभी कभी तो इनके बच्चों को भी अलग से दूध पिलाना पड़ता है। तो दूध बहुत कम देती हैं। इनका गोश्त लेकिन बहुत ही उत्तम होता है। बकरे को अगर बधिया करा करके पाला जाए तो इनका गोश्त, इनका मांस, फ्लेवर, इसके फ्लेवर बहुत अच्छी होती है। और बकरियां लगभग साल में 2 बार ब्याती हैं और हर बार 2 बच्चे देती हैं। पहाड़ी बकरियां 2 बार ब्याती हैं और 2-2 बच्चे देती हैं। मांस के लिए ही पाली जाती हैं, दूध इनसे बिल्कुल ही नहीं समझता होता। इनकी ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर, लंबाई 70 सेंटीमीटर और उसका सीना गर्थ 60 सेंटीमीटर करीब होता है। इसका वजन इन बकरियों का 30 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। ब्लैक बंगाल के बारे में हम लोग अब देखेंगे। एक तो ये हुई आपकी आसाम डील, जिसके कि हमें पाली जाती हैं गोश्त के लिए। ब्लैक बंगाल भी एक गोश्त के लिए ही पाली जाती हैं, जैसे बंगाल के नाम से मशहूर है, ब्लैक के नाम से। ब्लैक बंगाल, ब्लैक माने काली, इनका रंग काला होता है। ये भारत के पूर्वी हिस्से में, जैसे बंगाल, आसाम में भी और बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मिल सकती हैं। उड़ीसा के पूर्वी उत्तरी हिस्से में मिलती हैं ये नस्ल। ये बकरियां में एक खसूसियत है,
खास बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात में, भीषण बरसात में भी कम चराई पर, थोड़ी सी चराई पर ये अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेती हैं और उसमें भी इनका विकास होता है। इनका कद नाटा होता है लेकिन इनका शरीर काफ़ी बड़ा होता है। इन बकरियों में सींगे होती हैं, 6-10 से 7 सेंटीमीटर तक की होती हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। कान ऊपर को उठे होते हैं, ये दिखाई देते हैं। इनका कंधा और पुट्ठा एक ही बराबर में होता है, कंधा जितना ऊंचाई पर है उतना इनका पुट्ठा भी होता है। पीछे की अपेक्षा छाती अधिक चौड़ी होती है। टांगें इनकी छोटी होती हैं। इनके शरीर का रंग बहुत काला होता है इनका, लेकिन भार बहुत ही कम होता है, 10-12 किलोग्राम। यह बकरा है तो 15 किलोग्राम तक की हो जाता है। ये भी करीब करीब 2 साल में 2 बार बच्चा देती हैं और हर बार करीब 2 बच्चा देती हैं। इस नस्ल की बकरियां दूध बहुत कम देती हैं, जैसे पहले हम लोग पढ़े आसाम हिल में दूध कम देती हैं, इसी तरह से ब्लैक बंगाल की बकरियां भी दूध बहुत कम देती हैं। दूध के लिए नहीं बल्कि इनको मांस के लिए ही पाला जाता है। दूध समझिए कि एक ब्यात में 16 से 18 लीटर तक पूरा दूध देती हैं। इन बकरियों की खाल बहुत अच्छी होती है, चमड़े जिससे कि जूते वगैरह बनाए जा सकते हैं, बैग और ये अटैची और ये आपका झाड़े के लिए सदरी और जर्सी पहनने के लिए, इनकी खाल बहुत ही मशहूर है। इनका स्किन बहुत ही मशहूर है, भारत के अलावा और विदेशों में भी इसकी मांग है। बाहर इसकी सप्लाई होती है, इसका निर्यात किया जाता है, इम्पोर्टेड है, बाहर इसकी मांग है। बाहर भी इसके जूते, चप्पल और बैग और जर्सी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अब इसका गोश्त, ये मांस के लिए ही पाली जाती है, इनका मांस ही बड़ा मशहूर है, बड़ा प्रसिद्ध है। तीसरी तरह से हमने देखा कि बंगाल और आसाम हिल, कच्छी गंजम भी इसी तरह से हमारी बकरियाँ हैं जो कि हमें मांस देती हैं और इनसे हमें दूध बहुत कम ही मिल पाता है। इस तरह से हमने देखा है मांस के लिए जो बकरी हमें पालना है तो आसाम हिल या ब्लैक बंगाल, इन बकरियों को पाल करके कच्छी भी हमें प्राप्त हो सकती है, कच्छ में, गुजरात में पाई जाती हैं। इस तरह से ये बकरियां हमारी इधर कच्छी, गुजरात, काठियावाड़ के अहमदाबाद क्षेत्र में पाई जाती हैं और वहाँ से हम इनको लेकर के पाल सकते हैं। इस तरह से मांस वाली बकरी का हम लोगों ने देखा कि मांस वाली बकरी में दूध बहुत ही कम होता है। इसको जैसे ब्रॉयलर कह सकते हैं कि जैसे ब्रॉयलर होती है मुर्गे में, इसी तरह से इनको भी मांस के लिए पालते हैं। अब हम देखेंगे फाइबर के लिए, ऊन के लिए। अच्छा, ऊन और बाल अलग अलग होते हैं। बाल ऊन से मोटा होता है, बाल के कपड़े नहीं बन पाते, बाल के कंबल वगैरह बन सकते हैं, मोटे कपड़े बन सकते हैं, लेकिन ऊन फाइबर होता है जिसमें कि इससे अच्छे से अच्छे कपड़े बन सकते हैं, रेशमी कपड़े, जाड़े वाले कपड़े बन सकते हैं, ऊनी कपड़े। तो इस तरह से बकरियों के ऊन, इसमें बकरियों वाले जिससे कि ऊन प्राप्त होते हैं, इन बकरियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन बकरियों में 2 किस्म की बकरियां हैं, एक तो अंगोरा और दूसरी है हिमालय की बकरी। हिमालय की बकरियां में भी इसके ऊपर बकरियां हैं, चंबा, गद्दी, काश्मीर, पश्मीना। तो पहले हम लोग अंगोरा के बारे में देखें। अंगोरा बकरी ये मध्य एशिया और
हिमालय की तलहटी, तिब्बत, इस जगह पर उधर मध्य एशिया से लेकर के, मध्य एशिया से इधर ही, और ये हिमालय की तलहटी, हिमालय के नीचे तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, और ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल पीपरकोट फार्म पर इन्हें रखा गया है। इस तरह से बकरियां, अंगोरा बकरियां, ये रेसे के लिए मशहूर हैं। ये हमारी बाहर की बकरियां हैं, ये अधिक दूध देने वाली नहीं होती, इनका भी शरीर छोटा होता है, पहाड़ी बकरी हैं। इनकी शरीर की विशेषता ये होती है कि इनके शरीर पर जो बाल होता है उसको मोहर कहते हैं, मोहर, याद रखिए, इम्तिहान में भी आ सकता है। मोहर क्या होता है? बाल है, ऊन की एक किस्म है, ऊन की एक किस्म है, ऊन का एक प्रकार है कि जिसको मोहर कहते हैं, अंगोरा बकरी के शरीर पर होता है, अंगोरा शरीर बकरी के शरीर पर जो बाल होते हैं उसको मोहर कहते हैं, जो कपड़ा बनाने के काम आता है। इसका सिर छोटा होता है, इस बकरी का आँख चमकीली होती है, और थूथन इसका चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, कान करीब करीब आपका 15-20 सेंटीमीटर तक की होती हैं, चौड़ा और नीचे की तरफ लटके होते हैं, कान चौड़े होते हैं, सींग चपटे और सिर पर नुकीले होते हैं, इनका रंग गुलाबी और पोंछ छोटी, शरीर बालों से ढका होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं लंबे लंबे, जिसको मोहर कहते हैं। इस जात के पशुओं की कमर सीधी, बदन बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, मजबूत होता है। इसका थन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूध कम देती है, तो थन भी उतना विकसित नहीं होता, और इसका आयन भी उतना विकसित नहीं होता, दूध बहुत ही कम देती है। ये अधिकतर मोहर के लिए ही पाली जाती हैं। मोहर हम लोगों ने जाना कि मोहर उसकी बाल को कहते हैं, बाल की एक किस्म है जिसको मोहर कहते हैं। इन बकरियों से अब और बकरियां बनाई जा रही हैं, इनके मिलाप से गद्दी जात की बकरियों का संकरण कराया जा रहा है। एक बार एक दिन में करीब 1 लीटर 1.5 लीटर तक की, 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम एक बकरी से एक साल में ऊन प्राप्त होता है। मोहर 1 किलो से 1.5 किलो तक इस बकरी से एक साल में प्राप्त होता है, जिससे दरी बनाई जाती है, कंबल बनाया जाता है, और ऊन के साथ मिला करके कपड़े बनाए जाते हैं। वो ऊन से मोटा होता है मोहर, दरी कंबल और ऊन के साथ मिला करके इसको कपड़े बनाए जा सकते हैं। ये बकरी की ऊंचाई करीब 55 सेंटीमीटर, लंबाई 65 सेंटीमीटर, और इसका गर्त जो होता है परिध 60 सेंटीमीटर होता है, वजन 34 किलोग्राम के लगभग हो जाता है, 40 किलोग्राम मान लीजिए, और बकरा का वजन इससे ज़्यादा होता है, बकरी से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बकरी हमारी, ये बकरी अंगोरा बकरी मोहर के लिए मशहूर है, ये तिब्बत में और हिमालय की तलहटी में और हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल वगैरह में ये पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये बकरी मोहर के लिए ही ज़्यादा मशहूर है। अब हिमालय की बकरियों में, हिमालय की बकरियां हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमालय की बकरियां में ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर राज्य में ये बकरियां पाई जाती हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है। ये बकरियां समझिए इनके तीनों काम देती हैं, गोश्त, ऊन
और दूध। इन बकरियों का गोश्त भी ठीक होता है, इनसे ऊन लिया जाता है और इनसे दूध भी प्राप्त होता है। इस नस्ल के बकरे बोझा ढोने काम आते हैं पहाड़ों पर, करीब करीब 10 किलोग्राम बोझ लेकर के ये ऊपर चढ़ सकते हैं। इनसे बोझा ढोने का काम किया जाता है और इसे बोझ लेकर के, भार लेकर के पहाड़ियों पर लोग चढ़ते हैं, पहाड़ियों के रास्ते से तिब्बत जाते हैं, घाटियों में जाते हैं, तो इस तरह से इसके नर को बोझ ढोने के काम में लाते हैं। इसमें जैसा कि चंबा, गद्दी, कश्मीर, पश्मीना, ये बकरियां हम लोगों ने देखा है कि उनकी हिमालय नस्ल की ही बकरियां हैं। इनकी पश्मीना की बकरी ये बहुत ऊंचाई तक की, करीब 3,350 मीटर से ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक ही पाली जा सकती है पहाड़ पर। इसका जो बाल होता है पश्मीना ऊल जो होता है ये बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही गर्म ऊन निकलता है। कश्मीर और कुल्लू घाटी में जो कपड़े बनते हैं, जो ज़्यादा जो अच्छे कपड़े बनते हैं वो इसी का बनते हैं, पश्मीना का ही बनते हैं। यह बहुमूल्य, ये 30 से बहुत कम ही ऊन होता है, 30 से 60 ग्राम तक की उपलब्ध होता है एक बकरी से। जैसा कि अंगोरा बकरी से हम लोगों ने देखा कि उससे 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन होता है एक साल में, इससे 20 से 60 ग्राम तक की होता है। यह कश्मीर और कुल्लू घाटियों के में कपड़ा बिनने का काम आता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये बकरियां हिमालय बकरी, आसाम डेल बैल, ब्लैक बंगाल, और फाइबर के लिए अंगोरा, अंगोरा मोहर के लिए, और हिमालयन बकरी रेशम ऊन के लिए ये ज़्यादा मशहूर हैं। इस तरह से तो हम लोगों ने आज बकरियों के बारे में पढ़ा, इसका हम लोग जानते हैं। तो अब इसके बाद और बकरियों के बारे में जो जानकारी हमसे चाहे तो आप कमेंट के जरिए से करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम बकरियों के निवास के बारे में भी बता दें कि बकरियों का निवास कैसा होना चाहिए, कि कैसे उनका रहना चाहिए। बकरियों के लिए कोई खास रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाड़े की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा सा ऊंचाई जगह हो, पानी न लगता हो, नमी न हो, नमी रहने पर उनको बीमारी लगने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उनकी जगह ऊंचाई पर हो, सूखी जगह हो और हवा आती जाती हो, गांव से थोड़ा सा बाहर हो और जंगली जानवरों से, तेंदुआ वगैरह से, भेड़िया से सुरक्षित हो, वहां आते न हो। कुत्ते, कभी कभी गांव के कुत्ते भी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। गर्मी, वर्षा और जाड़ा तीनों से बचने का साधन हो। और इसके बारे में फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आवास के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जानकारी हम और दे दें कि एक बकरी के लिए 1 वर्ग मीटर पर्याप्त होता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा जगह एक बकरी के लिए होता है। और बकरियां कम हो तो उन्हें एक पंक्ति में रखा जाए, और बकरियां अधिक हो तो उन्हें 2 पंक्तियों में बांधा जा सकता है। बकरियों के लिए नाद 15 सेंटीमीटर ऊंची हो और 40 सेंटीमीटर चौड़ी, इतना पर्याप्त होता है। और जो फर्श हो इसकी 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। नाली भी होनी चाहिए इसमें, पीछे से इसका पेशाब वगैरह भर जाए, जिस ढालुआ हो। और फर्श साफ और सूखा होना चाहिए, हवादार बौछारों से रोकने के लिए होना चाहिए। और इनके जाली होनी चाहिए जिसमें कि हम हरे चारे को बांध करके लटका सकें। और पानी पीने का अलग साधन होना चाहिए। इसमें कुछ पार्ट बाड़े का आधा ढका हो,
छत हो जिसमें कि बरसात से जाड़े से इसको सुरक्षा की जा सके, और कुछ आधा पार्ट खुला हो जिसमें कि बकरियां खुली उसमें अपना घूम सकें, टहल सकें और धूप में बैठ सकें, इस तरह से हो तो बकरियों के लिए आरामदायक है। बकरों के लिए अलग से एक पैन होना चाहिए जिसमें कि बकरे रखे जाएं, इस तरह से बकरों के लिए और बच्चों के लिए अलग से हो। दुधारू, अगर दुधारू बकरियां हैं हमारे पास, दूध लिया जा रहा है तो दूध के लिए हमें अलग से इसका प्रबंध होना चाहिए। हम फिर इसके लिए बकरी प्रबंधन के लिए, बकरी के सेट के लिए फिर अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, फिर से इसका हमारा एक अलग से इसका व्याख्यान एक होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे वीडियो को आप देखते रहें, लगातार देखते रहें, जिससे कि नए नए वीडियो जानवरों के बारे में जो भी आपको दिक्कतें आती हैं ये हमसे आप सलाह ले सकते हैं, कमेंट के जरिए से हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और इसके जो आपको इसमें समझ में ना आया हो या जो आप और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।